जो लास्ट लेक्चर में हमने बंगाल डिवीजन किया था 1905 में, अब जो 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था तो वही पे अब आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बंगाल डिवीजन में उस टाइम पे जो आपके पास रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट। तो आज हम मेनली वो टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, तो अब नेशनल मूवमेंट का ही बंगाल डिवीजन के बाद जो बंगाल में आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट, या फिर जो आपके पास रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, राइट। तो आज की वीडियो में जो मेन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं बंगाल की। मेन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे जो फॉर्म की गई थी इन 1902 में, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ये एक मेन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, अनुशीलन समिति। अब इस अनुशीलन समिति की बात करें तो देखो इसका नाम अनुशीलन समिति क्यों बोला गया, क्योंकि देखो ये जो फॉर्म की गई थी दैट मीन्स ये जो अखाड़े नहीं होते, अखाड़े जहां पे कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, तो मतलब ये बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी जो थी, मतलब बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी थी कि यहाँ पे उस टाइप पे बंगाल के जितने भी अखाड़े थे, ठीक है, तो उनके बॉडी बिल्डर्स ने मिलकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी, तो इसको बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, राइट। अब देखो ये जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म की गई बंगाल में, तो इन्होंने अपना मेन एम क्या रखा कि बोला हमें क्या करना है, ब्रिटिशर को एक्सपेल करना है। इनका मेन एम था कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश रूल को एंड करना है या फिर ब्रिटिश को एक्सपेल करना है इंडिया से, ब्रिटिश रूल को क्या करना है, एंड करना है। तो बोला उसके लिए ये जो प्रोपगेट करते थे बोलते कि हमें जो ब्रिटिश रूल एंड करना है बाय रेवोल्यूशनरी मीन्स के थ्रू करना है, रेवोल्यूशन करके जो है हम ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से एंड करेंगे। तो ये बात इन्होंने बोली। देखो तो अब हुआ क्या, बॉडी, तो यहाँ पे देखो अब ये जो सोसाइटी जो थी ये इंडिया में और थ्रू आउट बंगाल में जब स्प्रेड कब हुई, जब इसको जो ज्वाइन करेंगे इस सोसाइटी को ज्वाइन किया जाएगा बाय अरविंदो घोष। जैसे अरविंदो घोष और इनके भाई, छोटे भाई जो थे जिनका नाम था बरिंदर नाथ घोष, बरिंदर नाथ घोष, ये दोनों भाई साहब ज्वाइन करेंगे इसको, इस सोसाइटी को, दैट मीन्स यार एक और, अच्छा ठीक ठीक है, बैरिन, इसको बैरिन के नाम से भी जाना जाता था। अब अरविंद घोष और बरिंद्रनाथ घोष ने क्या किया, इस अनुशीलन समिति को और सोसाइटी को जो है ज्वाइन किया। अब ज्वाइन जब किया तो इसके बाद जो है ये समिति जो है थ्रू आउट बंगाल में एकदम से स्प्रेड होगी, इमीडिएटली स्प्रेड होगी, बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई। दैट मीन्स स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि बहुत से लोग जो थे, दैट मीन्स कि लोकल जिम्स के लोग, लोकल अखाड़ा के लोग जो है इस सोसाइटी को अब और ज्यादा ज्वाइन करने लगे, राइट। तो अब देखो ये सोसाइटी जो थी, क्योंकि देखो अब स्प्रेड कैसे हुई होगी, मेन बात तो यही है ना कि अब मैं बोल दूं कि हम क्या करते हैं एक सोसाइटी की फाउंडेशन रख लेते हैं कहां पे, हिमाचल में, हिमाचल के, चलो मान लो हम फाउंडेशन कहां पे रखेंगे, इसकी फाउंडेशन रख लेते हैं किसी सिटी, हिमाचल के किसी सिटी ए में, सुबह सुबह नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अब सिटी ए में हमने फाउंडेशन रख ली, तो यहां पे बोला कि हम, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या करना है इसको पैन इंडिया लेवल पे स्प्रेड करना है, पैन इंडिया लेवल पे जब स्प्रेड कर रहे थे, उसके लिए क्या होगा, हमें जो है इसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, इसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। अब वो पब्लिसिटी हम कैसे करेंगे, न्यूज चैनल के थ्रू, भैया आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया यही सोर्स है,
अब अगर इस बात की यहां पे बात करें 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी 18th तो जोड़ो 19th और 20th सेंचुरी में जब इन्होंने अपने मतलब आइडियाज को स्प्रेड कर रहे होते तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो किसके थ्रू करती थी? न्यूज़पेपर और जर्नल्स के थ्रू, राइट। तो सेम यहां पे एक जर्नल पब्लिश किया गया बाय द अनुशीलन समिति जिसको जिसका नाम था जुगांतर। तो ये बात याद रखना। अब यहां पे एक जुगांतर जनरल जो है वो फाउंड किया गया। किसने फाउंड किया इसको? जो बरिंदर नाथ घोष थे, अरविंदो घोष के भाई जो थे बैरिन, ठीक है। और इनके साथ कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये मेन लीडर थे जिन्होंने क्या किया था, इसको फाउंड किया था जुगांतर जनरल को, भूपेंद्र नाथ दत्ता। और फिर इसी जनरल के थ्रू ये क्या करते थे, अपने आइडियाज जो है इन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट किए, राइट। तो यहां पे क्या हुआ था, दैट मींस कि इस अनुशीलन समिति की जो थी अब मेंबरशिप जो थी इंक्रीज होती गई। ये बात कर रहा हूं 1902 की, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि युगांतर जो है किस सॉरी जुगांतर किसने फाउंड किया था, राइट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब चलते हैं, अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब बात करते हैं कि इस अनुशीलन समिति में क्या इंपैक्ट पड़ा बंगाल डिवीजन का। अब हमने बोला था कि बंगाल डिवाइड हो गया कब, इन 1905 में। तो अल्टीमेटली ये जो अनुशीलन समिति जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1902 में थ्रू आउट बंगाल, तो इस पे अब क्या इंपैक्ट हुआ होगा। अब ये अनुशीलन समिति जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक आपके पास बन गई ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे था, फिर ढाका में हेडक्वार्टर था, राइट। और कौन इसकी लीडरशिप अज्यूम किसने करी, यहां पे लीडर बने पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास जो है वो लीडर इमर्ज हुए। वहीं पे सेकंड ग्रुप जो आपके पास बना, जो बंगाल में रेस्ट ऑफ बंगाल में बना, उसका नाम रखा गया जुगांतर ग्रुप। ये कहां पे मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता, जुगांतर ग्रुप, ठीक है। अब इसके जो लीडर थे जुगांतर ग्रुप के वो थे आपके पास बैरिन बरिंदर नाथ घोष एंड बागा जतिन, बागा BAGHA जतिन, ये लीडर बने। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो बैरिन एंड बागा जतिन थे, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला था, जब हमने जुगांतर अनुशीलन समिति की फाउंडेशन रखी तो यहां पे इनका मेन पर्पस क्या था कि ब्रिटिश रूल को एंड करना है इंडिया से बाय रेवोल्यूशनरी मींस के थ्रू। तो जो ये वेस्ट बंगाल और कलकत्ता वाला जो ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, यहां पे एक फॉर्म किया मणिकताला ग्रुप, इन्होंने एक और ग्रुप फॉर्म किया मणिकताला ग्रुप। अब ये जो मणिकताला ग्रुप था ये क्या करते थे, इन्होंने आर्म्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हथियार कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आर्म्स कलेक्ट करते थे अलोंग विद ये मैन्युफैक्चर्ड करते थे क्या, बॉम्ब्स, बॉम्ब मैन्युफैक्चर्ड करते थे। तो यहां पे एक बॉम्ब फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश करी गई, मणिकताला बॉम्ब फैक्ट्री, They also established मणिकताला बॉम्ब फैक्ट्री, राइट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये लोग क्या करते थे, अपने ग्रुप को मतलब ट्रेन होने के लिए कहां पे भेजते थे, ये भेजते थे यूएसए में, राइट। कि मतलब इन्होंने एक ग्रुप बना लिया रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट ग्रुप की, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या था, हमें क्या करना है, ब्रिटिशर को एक्सपेल करना है। अब यही से आपके पास एक पार्टी की फाउंडेशन आएगी और एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, जिस मूवमेंट का नाम होगा गदर मूवमेंट। और ये जो मणिकताला की बात करी, अब देखो ये जो थे आपके पास, ये क्वेश्चन जो है इस बार यूपी पीसीएस ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था,
अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था, देख लेना है। इस बार का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। अब मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी होगी, शेयर कर दूंगा या फिर ऐसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा कि वो पेपर, क्योंकि मैंने एक चेक कर रहा था उस दिन जब पेपर आया था, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो पूछता हर एक जो भी कमीशन है, ठीक है, पूछेगा यहीं से, सिलेबस से पूछेगा, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं करेगा, राइट। अब ये गदर मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो आपके पास गदर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जो कहां पे स्टार्ट हुई थी, आपके पास सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई थी गदर मूवमेंट। सैन फ्रांसिस्को में क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि इसको एक यहां पे सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी, जिसका नाम था सैन गदर पार्टी, ठीक है। तो अब ये जो गदर पार्टी जो फाउंड की गई थी, ये किसने फाउंड की थी, यहाँ पे जो ना पॉलिटिकल एग्जाइल में थे, पंजाब के रेवोल्यूशनरीज थे कुछ, सैन मतलब यूएस में, जिनमें उनकी मतलब लाला हरदयाल जो थे जिनके लीडर थे, मतलब यहाँ पे लाला हरदयाल भाई साहब ये पंजाब के रेवोल्यूशनरीज थे, पॉलिटिकल एग्जाइल में जाएंगे यूएस में, और वहां पे जितने भी इंडियन थे उनकी लीडरशिप को एक्ज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे फाउंडेशन रख देंगे गदर पार्टी की, गदर मूवमेंट की, राइट। तो ये देखो यहाँ पे जो मेन लीडर थे लाला हरदयाल, रामचंद्र, ठीक है, बारकतुल्ला, ये दोनों भाई साहब जो थे लाला हरदयाल के सपोर्टर थे, ठीक है, जिन्होंने ये गदर मूवमेंट स्टार्ट करी। अब देखो यहां पे मेनली बात करते हैं कि हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा, अब हुआ क्या, इसके हिस्ट्री में जाएं तो हम बात करेंगे अभी मई 1913 की, मई 1913 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये लाला हरदयाल जो पॉलिटिकल एग्जाइल में थे, अब बात देख लो, ये लाला हरदयाल भाई साहब जो पॉलिटिकल एग्जाइल में थे फ्रॉम इंडिया से, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यूएस में एज्यूम कर लेंगे लीडरशिप ऑफ जितने भी इंडियंस थे उनकी लीडरशिप जो है वो एज्यूम कर लेंगे, इंडियन कम्युनिटी की लीडर बन जाएंगे, मतलब जो इतने भी इंडियंस थे वहां पे उनके लीडर कौन बन जाएगा, लाला हरदयाल। और जैसे ये एज्यूम करेंगे लीडरशिप ऑफ इंडियन कम्युनिटी, तो वहां पे एक कहां के बात कर रहा हूं, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में बात कर रहा हूं, जैसे इन्होंने इंडियन कम्युनिटी की लीडरशिप अज्यूम करी, तो यहां पे इन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन की फाउंडेशन रख दी, जिसका नाम था हिंदी एसोसिएशन इन पोर्टलैंड। अब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी, पॉलिटिकल सॉरी हिंदी एसोसिएशन इन पोर्टलैंड, जिसको एक और नाम दिया गया पैसिफिक, तो ये याद रखना, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन किसने फाउंडेशन रखी, लाला हरदयाल ने मई 1913 में, जिसको हिंदी एसोसिएशन इन पोर्टलैंड भी बोला गया, राइट। अब देखो जब ये एसोसिएशन ही इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई, फिर इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट मीटिंग होगी, मतलब जब जितने भी मेंबर्स थे वो फर्स्ट टाइम आके मिलेंगे। अब फर्स्ट मीटिंग जब हुई इस एसोसिएशन की, तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो गदरी बाबा थे, मतलब जो फेमस थे गदरी बाबा, जिनका रियल नेम था आपके पास बाबा सोहन सिंह भाकना, जो फेमस थे किस नाम से, गदरी बाबा के नाम से, ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट, ये बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने। वहीं पे लाला हरदयाल भाई साहब ये किस पोस्ट को एज्यूम कर लेंगे, ये बनेंगे आपके पास जनरल सेक्रेटरी, और वहीं पे आपके पास एक और थे पंडित कांशीराम, कांशीराम मरोली,
ये बने भाई साहब ट्रेजरर। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, जब फर्स्ट मीटिंग हुई ना इसकी सैन फ्रांसिस्को में ही, जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मेरे भाई फर्स्ट मीटिंग में ही यहां पे क्या हुआ, $10,000 जो है इतना फंड कलेक्ट हो गया। अब सोच लो उस टाइम पे $10,000 फंड कलेक्ट हो गया तो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। यूएस डॉलर जो थे 10,000 जो है फंड कलेक्ट हो गया फर्स्ट मीटिंग में। अब जैसे इतना इनके पास फंड कलेक्ट हो गया, देन दे डिसाइडेड, बोला अब तो हम वेपन्स भी परचेज कर सकते, सब कुछ परचेज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक अपना जो ये एसोसिएशन है, जो आपके पास पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन है और हिंदी एसोसिएशन जो है, अब हम क्या करेंगे इसका जो है सेटअप जो है वो एक हेडक्वार्टर जो है वो सेटअप करेंगे कहां पे, आपके पास सैन फ्रांसिस्को में। हाँ, सेटअप करेंगे हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, और उस हेडक्वार्टर का नाम क्या रखा जाएगा, युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम जो है उसका नाम रखा जाएगा। और बोला यही से फिर इसी आश्रम से हम क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर जिसको बोलेंगे जो फ्री पेपर होगा और वीकली पब्लिश किया जाएगा, फ्री वीकली न्यूज़पेपर की फाउंडेशन भी रखेंगे। और उस फ्री वीकली न्यूज़पेपर का जो नाम रखा गया उसका नाम होगा गदर। ठीक है, गदर मींस रिबेलियन। अब ये नाम इन्होंने क्यों रखा, इनका नाम रखा गया ये गदर नाम जो रखा गया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके उस पे इन्होंने नाम रखा। ठीक है, अब ये युगांतर ग्रुप की बात भी करते हैं। अब देखो ये क्या करते थे, अब देखो मेनली इसका जो गदर का जो यहाँ पे मेन टैगलाइन जो होती थी, ये मेनली जो अपने आइडियाज जो प्रोपागेट करते थे इसके थ्रू, एंटी ब्रिटिश फीलिंग जनरेट करते थे थ्रू आउट जितने भी बॉम्बे इस न्यूज़पेपर को रीड करते थे इंडियंस के अंडर। दैट मींस ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो ये पेपर जो है प्रोपागेट करता था प्रो इंडिपेंडेंस एंड एंटी ब्रिटिश आइडिया को प्रोपागेट करते थे। तो देखो ये जो टैगलाइन यहां पे देते थे ना, तो ये देते थे अंग्रेजी राज का दुश्मन, मतलब इसकी जो कैप्शंस होती थी वो होती थी अंग्रेजी राज का दुश्मन इस न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो इवन अंग्रेजों का, अंग्रेजी गवर्नमेंट का कच्चा चिट्ठा, अंग्रेजी सरकार का कच्चा चिट्ठा, ये कुछ कैप्शन जो थे ये देते थे। ठीक है, तो ये सारा जो था मतलब यहां पे बात करते थे। तो अब यहीं पे बात करते हैं, देखो मई 1913 की बात कर रहे थे, अब हम पहुंच गए नवंबर 1913 में। अब नवंबर 1913 में क्या हुआ, ये यहां पे सैन फ्रांसिस्को में जो आपके पास हिंदी एसोसिएशन थी या पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन थी, उसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया। अब नेम चेंज कर दिया गया और उसका नाम जो है रख दिया गया हिंदुस्तान गदर पार्टी। हिंदुस्तान गदर पार्टी, ठीक है, तो ये यहां पे ये बात हुई। अब देखो यहीं से क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को से ही क्या किया गया, आपके पास ये पेपर जो है पब्लिश किया गया जिसका नाम था गदर न्यूज़पेपर। अब ये गदर पेपर जो है वो लॉन्च जो किया गया, फर्स्ट पब्लिश किया गया, ठीक है, फर्स्ट नवंबर 1913 को, ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, फर्स्ट जो लॉन्च किया गया 1 नवंबर 1913 को लॉन्च किया गया। अब देखो यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था तो कौन सी लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी पहले, सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज में जो है ये पब्लिश किया गया था, बाद में एक मंथ के बाद जो है
यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया? गुरमुखी, दैट मीन्स पंजाबी लैंग्वेज में जो है इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये बात हुई। क्लियर जी सर। ठीक है, चलो चले आगे। यस सर। अब देखो, तो बात करते हैं, एक इंसिडेंट होगा आपके पास कॉम गाटा, मारू केस 1914। अब ये गदर पार्टी की बात चलती रहेगी, देखते जाना। अब देखो, कॉम गाटा मारू केस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉम गाटा मारू जो था ये क्या था? एक शिप का नेम था, ठीक है। और ये शिप कहां की थी? जापानी शिप थी। अब बात है कि नवंबर 1913 की, 1913 की हुआ क्या? 1913 में जो सुप्रीम कोर्ट था कनाडा का, उसकी एक जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने यहां पे अलाउ कर दिया, मतलब अपनी जजमेंट के थ्रू यहां पे अलाउ कर दिया गया। अलाउड किसको किया गया? इंडियंस को। टोटल 35 इंडियंस थे जिनकी एंट्री को उन्होंने मतलब अलाउ कर दिया और उनको परमिशन दे दी कि वो क्या कर सकते हैं, इंडिया कनाडा में आके सेटल हो सकते हैं। अब ये अलाउ क्यों किया गया? बोला कि ये जो 35 इंडियंस जो कनाडा में आए हैं ये अपने डायरेक्ट जर्नी के थ्रू आए हैं, दैट मीन सीधा इंडिया से कहां पे आके रुके थे, ये आके रुके हैं कनाडा में। इन्होंने ये सारा प्रूव किया कि सर हम सीधा इंडिया से बैठे थे और यहाँ पे आके उतरे, हम बीच में कहीं नहीं गए, जापान में नहीं गए, कहीं किसी और कंट्री में नहीं गए। तो जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने अलाउ कर दिया इन इंडियंस को कि आप आके क्या कर सकते हो, आप जो है कनाडा में सेटल हो सकते हो, राइट। तो दैट मीन ये यहाँ पे जो है कनाडा ने क्या किया था, एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी इंडियन इमिग्रेंट्स पे, ठीक है, कि बोला कि अगर कोई भी इंडियन इमिग्रेंट अगर डायरेक्ट पैसेज के थ्रू और डायरेक्ट जर्नी के थ्रू फ्रॉम इंडिया टू कनाडा आता है तो उसको हम अलाउ करेंगे इस कनाडा में सेटल होने के लिए, बट अगर कोई भी डायरेक्ट पैसेज के थ्रू नहीं आता है, दैट मीन्स कि कोई भी बीच में स्टॉपेज लेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सीधी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी बाय द कनाडा गवर्नमेंट टू इंडियन माइग्रेंट पे। तो अब जैसे ये जजमेंट आई नवंबर 1913 में, तो उस टाइम पे एक मतलब हम बात करें, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर थे जो सिंगापुर में रहते थे, ठीक है, जिनका नाम था, हाँ, गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह, अब गुरदीत सिंह भाई साहब जो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर थे, कहां पे रहते थे आपके पास? सिंगापुर में। अब भाई साहब इस जजमेंट से हुआ क्या, ये इस जजमेंट से इंप्रेस हो गया एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, एक शिप में इंडियन इमिग्रेंट्स को लेके कहां जाऊंगा, कनाडा में जाऊंगा और उनको वहां पे सेटल करवा दूंगा। ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेता था कि ठीक है आपको एज अ मैं मतलब वर्कर्स प्रोवाइड करूंगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो इस भाई साहब ने भी क्या किया, अब इस कॉम गाटा मारू शिप में अब 376 इंडियंस को लेके निकल गया। 376 इंडियंस इसने इस शिप में भरे, ठीक है, और उनको उनके साथ जो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा कहां से, इंडिया से कनाडा की तरफ, राइट। अब इन ये जो आपके पास, अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं, ये जो 376 इंडियंस थे इनमें अगर मैं प्रोपोर्शंस की बात करूं तो आपके पास सिख कम्युनिटी के थे 320 लोग, ठीक है, 320 पीपल जो थे वो सिख थे, देख लो। 32 जो थे वो आपके पास थे हिंदू एंड रेस्ट ऑफ 24 जो थे वो थे आपके पास मुस्लिम। तो ये था। अब हुआ क्या, क्योंकि देखो यहां पे ये निकले इंडिया से किसकी तरफ, कनाडा की तरफ।
अब अगर ये डायरेक्ट पैसेज करके जाते इंडिया टू कनाडा, तब तो इनको क्या मिल जाता, एंट्री मिल जाती कनाडा में, राइट। बट हुआ क्या, ये जो शिप में जा रहे थे, अब यहां पे क्या हुआ, ये जाके रुकेंगे कहां पे, एक जगह पे स्टॉपेज होगा कहां पे, योकोहामा। अब योकोहामा कहां पे है आपके पास, जापान में। अब जापान में जाके रुके, और यहां पे योकोहामा में जब इस शिप ने, मतलब ये जो कॉम गाटा मारू शिप था, जब इसने स्टॉपेज लिया, तो इस शिप को विजिट किया गया बाय द गदराइटिस, मतलब ये जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, इन्होंने आके इस शिप में विजिट किया, और यहाँ पे जितना भी ये 376 जो पैसेंजर्स थे, इनको क्या किया, और इमिग्रेंट जो माइग्रेंट जो थे, ठीक है, इनको क्या किया, अपने जो मतलब जो भी जनरल था या जो भी आइडियाज थे जिसके रिगार्डिंग इन्होंने जो भी बुक्स पब्लिश की थी, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट करी, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे गदराइटिस आए, इसकी खबर पहुंच गई किसको, कैनेडियन गवर्नमेंट को, कि भाई ये ऐसे ऐसे इतने इंडियन पैसेंजर्स आ रहे हैं इंडिया से, मतलब इमिग्रेशन के थ्रू माइग्रेंट्स आ रहे हैं कनाडा में फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉपेज लिया कहाँ पे, जापान में योकोहामा में, जहां पे गदराइटिस ने उनको विजिट किया, क्योंकि गदराइटिस को हर एक यूरोपियन नेशन होगी, चाहे कोई भी नेशन जो थी उस टाइम पे, वो सारे क्या कर रहे थे, उनको जो है अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में उनकी एंट्री को बैन कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम ये, दैट मीन्स उसकी जब फाउंडेशन रखी गई थी, एज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ही रखी गई थी, तो ये सारी कंट्रीज जो थी रेफ्यूज कर रही थी, ये मतलब प्रोहिबिट कर रही थी कि इनके जो है गदराइटिस की एंट्री हमारे स्टेट में ना हो, हमारी कंट्री में ना हो। तो हुआ क्या, ठीक है, अब गदराइटिस ने यहाँ पे इनको विजिट किया, और अपना लिटरेचर जो है वो इनको क्या किया, स्प्रेड किया। तो अल्टीमेटली अब बाद में क्या हुआ, योकोहामा से ये निकले और फाइनली रीच कर गए कहाँ पे, कनाडा में। अब जैसे ही कनाडा में, वैनक्यूवर में ये रीच करेंगे, कनाडा के वैनक्यूवर पोर्ट पे। अब वैनक्यूवर में ये रीच कर गए, ठीक है, और वैनक्यूवर में जैसे ये शिप पहुंचेगी, तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको रेफ्यूज कर दिया कि अब आप जो है कनाडा के बॉर्डर, मतलब कनाडा की लैंड पे आप पांव तक नहीं रखोगे, आप शिप से बाहर नहीं उतरोगे। इनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहीं पे रोक दिया, पोर्ट में नीचे उतरने नहीं दिया, बोला कि नहीं आप नहीं उतर सकते, आप यहीं से ऐसा करो, यहीं से शिप को वापिस ले जाओ, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपकी एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे अब दिक्कत होगी, ये बेचारे लोग किस पे, उस गुरदीप सिंह पे भरोसा करके, उस पे ट्रस्ट करके काम पे आए, कनाडा में आए, बट यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक शोर कमेटी भी फॉर्म की गई कनाडा में, एक शोर कमेटी जो है वो फॉर्म की गई, ठीक है, वैनक्यूवर में, ठीक है, जिसके जो लीडर थे वो कौन थे, शोर कमेटी के लीडर थे, तो ये याद रखना, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, एंड बलवंत सिंह। इन्होंने जब कनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके और पैसेंजर्स के साथ मिलके सारी जो है नेगोशिएशन करी, ठीक है, बट यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने सीधी सी बात बोल दी कि हम इनको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि इनकी डील किसके साथ हुई है, मतलब ये जो है आते टाइम जो है अपने पैसेज के टाइम पे इनसे मीटिंग हुई है, इनकी गदराइटिस के साथ मीटिंग हुई है, तो हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, ये हमारी स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, ये जो 376 पैसेंजर जो आए थे, 376 पैसेंजर जो आए थे, अब इनको क्या बोल दिया गया कि अब आप यहीं से वापिस हो जाओ। तो अल्टीमेटली अब इनको वैनक्यूवर से वापिस जाना पड़ा। अब ये जा रहे थे वापिस कहां पे, इंडिया में। अब जैसे इंडिया में ये वापिस जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो गया, मतलब जब ये कनाडा से इंडिया की तरफ वापिस जा रहे थे, उस टाइम पे ही आपके पास वर्ल्ड वॉर वन ब्रेक हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब वर्ल्ड वॉर वन भी स्टार्ट हो गया मेरे भाई, और साथ में क्या हुआ, जब ये वापिस जा रहे थे रिटर्न जर्नी में, तब भी ये जाके कहां पे रुकेंगे, जापान में रुकेंगे, योकोहामा स्टॉपेज ले लिया। अब जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, तो जापान था किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो यहां पे ब्रिटिशर ने एक पॉलिसी, एक एक्ट लेके आ गए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनएक्ट कर दिया उस टाइम पे, मतलब इंडिया में ये एक्ट जो है उन्होंने पब्लिश कर दिया।
ठीक है, इसकी बात भी करेंगे, 1914 1915 की ही बात है ये। अब देखो यहां पे हुआ क्या, जब ये वापिस आ रहे थे, ये जापान में फिर से रुके और ब्रिटिशर ने यहाँ पे एक ऑर्डर इशू कर दिया। अब ब्रिटिशर ने क्या ऑर्डर इशू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि बोला अगर ये सीधा वैनक्यूवर से इंडिया आएंगे तो हम इनको अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम इनको अलाउ नहीं करेंगे इंडिया की लैंड में, कि ये इंडिया की लैंड में रीच करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये बीच में कहीं पे रुके तो इनका कॉन्टेक्ट किसके साथ होगा, गदराइटिस के साथ होगा, गदराइटिस के बिल्कुल अगेंस्ट है। बट हुआ क्या, जब ये वैनक्यूवर से इंडिया वापस आ रहे थे तो अल्टीमेटली फिर से जापान में रुके, योकोहामा में रुके, और योकोहामा से फिर से जब ये इंडिया में आए तो ये कहां पे, अब देखो इंडिया में आएंगे कैलकटा के पोर्ट में, उस टाइम पे कैलकटा के एक किस पोर्ट में ये रीच करेंगे, बज बज पोर्ट, और बज बज पोर्ट, और जिसको अब हम नाम दे देंगे बज बज राइट्स ऑफ 1914। अब बज बज राइट्स क्यों बोला 1914, क्योंकि हमने क्या बोला कि जैसे ये इंडिया सॉरी कनाडा से इंडिया वापिस आए, बीच में कहां पे स्टॉपेज लिया, जापान में स्टॉपेज लिया, और लास्ट ये कहां पे पहुंच गए, कलकत्ता के बज बज पोर्ट पे। अब कलकत्ता के बज बज पोर्ट पे जैसे अराइव किए तो इनका वेलकम, ये बात कर रहा हूं 27 सितंबर 1914 की। अब जैसे ये शिप जो है कहां पे पहुंचेगी, आपके पास बज बज में पहुंचेगी कलकत्ता में, तो यहां पे इनका वेलकम कौन कर रहा था, ये जो आपके पास पैसेंजर थे इनका वेलकम कर रही थी वहां पे ब्रिटिश की पुलिस, पोर्ट में पहले ही पुलिस खड़ी थी, उनको पता था कि वो पहुंचने वाले हैं इंडिया में, तो पुलिस वहां पे खड़ी थी, पुलिस इनका वेलकम कर रही थी, ऐसे नहीं कि इनको हार पहनाएगी, इनको अरेस्ट करने के लिए खड़ी थी, ठीक है। अब जैसे ही पुलिस के साथ, अब जैसे ही ये मतलब यहाँ पे अराइव करेंगे, तो अब ये जो पैसेंजर्स थे और ये जो इंडियन माइग्रेंट्स थे जो कनाडा गए थे बट जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, अब इनका क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा किसके साथ, पुलिस के साथ, एट बज बज पोर्ट पे, जिसको हम नाम दे देंगे बज बज राइड्स, जिनमें देखो जो मेन यहाँ पे लीडर था जो इनको लेके गया था गुरदीत सिंह संधु, ये किसी तरह से मैनेज कर जाएगा एस्केप होने में, मतलब भाग जाएगा, पुलिस के हत्ते नहीं चढ़ेगा, राइट। और यहीं पे क्या हुआ था, इस राइड्स में 18 सिविलियंस मतलब ये जो माइग्रेंट थे इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, बर किल्ड, ठीक है, क्लियर। और देखो ये गुरदीत सिंह संधु जो था जो एस्केप कर गया था, मतलब छुप गया था, कैसे ना कैसे बच गया, तो ये 1922 तक ब्रिटिश पुलिस के हत्ते ही नहीं चढ़ा, फिर 1922 में गांधी जी की एडवाइस पे इसने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था, इसने खुद सरेंडर किया था इन 1922 में ऑन दी गांधीज एडवाइस, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो जब ये बज बज राइड्स हुए, इसकी खबर पहुंचेगी किसको, इसके बारे में पता लगा किसको, गदर पार्टी। अब गदर पार्टी को जैसे ही बज बज राइड्स के बारे में पता लगेगा तो अब ये भाई साहब क्या बोलेंगे, अब इधर गदर पार्टीज ने क्या डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, वायलेंट अटैक लॉन्च करेंगे, हम एक वायलेंट अटैक जो है वो लॉन्च करेंगे। अब वायलेंट अटैक कहां पे लॉन्च किया जाएगा, बोला पंजाब में वायलेंट अटैक जो है हम लॉन्च करेंगे, जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे ब्रिटिशर्स को फ्रॉम इंडिया से, राइट। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गदर पार्टी ने अपने लीडर्स जिसमें दो लीडर थे करतार सिंह सारबा एंड रघुवीर दयाल गुप्ता, इन दोनों को भेज दिया इस पर्पस के लिए कि आपको क्या करना है, जाके वायलेंट अटैक लॉन्च करना है पंजाब में, ठीक है, तो इनको इंडिया में भेज दिया, ठीक है, तो ये दोनों इंडिया में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम पे, अब देखो इन्होंने जब ये इंडिया में आए देन इन्होंने देखा कि हमें क्या चाहिए इंडिया में, अब हमारी तो इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं, अब अगर हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए तो हमें कोई ऐसा लीडर देखना पड़ेगा जो उस टाइम पे बहुत फेमस था और जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। तो उस टाइम पे एक बंगाल रेवोल्यूशनरी थे जो बहुत फेमस हुए थे, बंगाल रेवोल्यूशनरी जो फेमस हुए थे
क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि उन्होंने अटैक किया था किसको मारने का, वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग थे, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का उनपे चार्जेस लगे थे, लॉर्ड हार्डिंग पे, लॉर्ड हार्डिंग पे नहीं लगे थे, मतलब लॉर्ड हार्डिंग को मारने के यहाँ पे क्या किया था उस भाई साहब ने, पूरा अटेम्प्ट कर लिया था, मतलब लॉर्ड हार्डिंग को मारने वाले थे, राइट। और उनका नाम था आपके पास रास बिहारी बॉस, रास बिहारी बॉस। ये लाइमलाइट में तब आए थे जब इन्होंने अटैक किया था वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पे विद द इंटेंशन टू किल हिम, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था, ये लॉर्ड हार्डिंग मरे नहीं थे। तो अब इन्होंने क्या किया, गदर पार्टीज के लीडर्स ने जाके कॉन्टेक्ट किया किसके साथ, रास बिहारी बोस के साथ। और रास बिहारी बोस को इन्होंने सीधी सी बात बताई कि हमारा ये प्लान है और हम क्या चाहते हैं कि आप हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करो, दैट मींस कि आप जो है हमारे प्लान के लीडर बनो, इस प्लान के जो है लीडर आप बनोगे, कि ये जो अटैक किया जाएगा किसकी लीडरशिप में किया जाएगा, आपकी लीडरशिप में किया जाएगा। रास बिहारी बोस को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और फिर रास बिहारी बोस जो है सचिन सान्याल एंड विष्णु घोष के साथ, सचिन सान्याल एंड विष्णु गणेश पिंगले एंड विष्णु गणेश पिंगले के साथ मिलके जो है कहां पे आ जाएंगे, मतलब इन दोनों के साथ कहां पे आ जाएंगे, पंजाब में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अराइव करते हैं पंजाब में इन जनवरी 1915 में, ये बंगाल से कहां पे आ गए, पंजाब में आ गए 1915 में। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस मूवमेंट की लीडरशिप को एज्यूम कर लिया। अब देखो सारा प्लान हो गया कि कैसे कैसे ये वायलेंट अटैक लॉन्च किया जाएगा, इवन डेट तक फिक्स कर दी गई, ठीक है, कि डेट भी फिक्स कर दी गई। यहाँ पे बोला गया इसके लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो थी आपके पास 21 फरवरी 1915, डेट फिक्स की गई इस अटैक की। बट हुआ क्या कि बोला ये वायलेंट अटैक जो है हम लॉन्च करेंगे 21 फरवरी 1915 को, बट हुआ क्या, ये जो अटैक था वो फेल्ड हो गया। अटैक क्यों फेल्ड हो गया, क्योंकि कोई अंदर से ही क्या था, खबरी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने सब कुछ प्लान जो था किसको बता दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया कि ये जो है ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे वायलेंट अटैक करेंगे 21 फरवरी 1915 को, यहाँ पे करेंगे, ये प्लेस होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने क्या किया, फिर इस प्लान को जो है फेल कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले ही सप्रेस कर दिया इनके सारे एफर्ट्स को, जो भी इन्होंने प्लान आउट किया था सारा जो है ब्रिटिश ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो ये जो वायलेंट अटैक करना था ये फेल्ड हो गया, राइट। तो मैंने यहीं पे बात करी थी कि जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर ने एक एक्ट जो है वो इनेक्ट किया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक्ट जो ब्रिटिशर ने इनेक्ट किया था, इसका मेन पर्पस क्या था कि यहां पे ब्रिटिशर किसके साथ डील करना चाहते थे, ये क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, उनको डील करने के लिए जो है ये एक्ट इनेक्ट किया गया, जिसमें मेनली जो रेवोल्यूशनरीज किन की बात कर रहा हूँ, गदर पार्टी के रेवोल्यूशनरीज की बात कर रही थी ब्रिटिशर ने, क्योंकि मेनली गदर पार्टी ही उस टाइम पे मेन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अगेंस्ट जो है इन्होंने ये एक्ट जो है इनेक्ट किया। अब देखो जब गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस किया, ठीक है, इनके एफर्ट्स को सप्रेस कर दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया कुछ लीडर्स को। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रिप्रेशन रहा। अब गवर्नमेंट के रिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट रिप्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, जो आपके पास कब होगा, 1915 में होगा। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब जो जितने भी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया उनके अगेंस्ट जो है ट्रायल्स किए गए, ठीक है, अब उनका ट्रायल किया गया। ट्रायल जो हुए वो कौन से एक्ट के अंडर हुए, यही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1915, राइट, इसके अंडर जो है
ट्रायल किए गए। अब ये देखो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर क्या बोला गया कि अब जो रेवोल्यूशनरीज का ट्रायल किया जाएगा इस टाइम पे, इस एक्ट के अंडर यहां पे जो ट्रायल किया जाएगा एक स्पेशल ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाएगा। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर इनको अरेस्ट किया गया था, तो अल्टीमेटली अब इनका ट्रायल भी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग होना था। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या बोला गया था, जो भी रेवोल्यूशनरी इसके इस एक्ट के अंडर अरेस्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, उसका जो ट्रायल किया जाएगा एक स्पेशल ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाएगा, राइट। और बोला ये जो स्पेशल ट्राइब्यूनल होगा इसका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, इसको आप कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब इनका जो है ट्रायल किया गया बाय स्पेशल ट्राइब्यूनल के थ्रू, तो यहां पे जो मतलब यहां पे जो है क्या किया गया, इस ट्रायल में 42 जो थे उन रेवोल्यूशनरीज में से 42 को क्या किया गया, डेथ पनिशमेंट दे दी गई। 42 को क्या दिया गया, डेथ पनिशमेंट दी गई, एंड 200 पर्सन्स को क्या दिया गया, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट और लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट वैकेंसी। कि बोला हम आपको लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट में रखेंगे और 42 को क्या दिया गया, डेथ पनिशमेंट दी गई। तो यही पे ये जो राज बिहारी बॉस थे ये तो मैनेज कर गए, ये कहां पे भाग गए, आपके पास जापान में भाग गए थे, राइट। अब जब हम करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज तब भी राज बिहारी बॉस की बात करेंगे, ठीक है। और जो सचिन सान्याल थे इनके साथ उनको क्या दिया गया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो दी गई थी, ठीक है। सचिन सान्याल को क्या दिया गया था, क्या कौन सी इंप्रिजनमेंट दी गई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो ये इंसिडेंट हुआ था आपके पास गदराइटिस का, ठीक है। अब देखो इस एक्ट के बाद मतलब जब देखो 1915 में यहां पे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, अब फिर यहां पे क्या होगा लास्ट में, अब कुछ गदराइटिस जब अपनी सजा कंप्लीट करके अब जब वो रिलीज किए जाएंगे आफ्टर रिलीज, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी और एक मूवमेंट की फाउंडेशन रखी जिसका नाम था द कीर्ति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट। अब देखो ये कीर्ति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट ये भी किसने फाउंड करी, गदराइटिस ने ही फाउंड करी, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। जिसके अंडर इन्होंने क्या किया, ये जो देखो ये कीर्ति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट की गई बाय भाई संतोष सिंह द्वारा की गई, ठीक है, संतोष सिंह ने करी, ठीक है। अब इसी मूवमेंट के अंडर एक पार्टी की फाउंडेशन रखी गई, पॉलिटिकल पार्टी की, जिसका नाम था कीर्ति किसान सभा। ये कीर्ति किसान सभा जो एस्टेब्लिश की गई थी वो 12 अप्रैल 1928 को की गई। देखो सभा का मतलब पार्टी, किसान का मतलब आप समझ लीजिए पीजेंट्स और फार्मर्स, और कीर्ति का मतलब वर्कर्स। तो ये क्या थी, वर्कर्स की और किसानों की क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है, कहां पे, पंजाब में, राइट। तो ये बात हुई, इतनी बात क्लियर हुई, यस सर। चलो तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब ये हमारे पास जो है गदर पार्टी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो कल हम एंट्री करवाएंगे किसकी, अब देखो जब हमने बात करी थी 1907 में, अब 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, राइट। कांग्रेस में जब हमने स्प्लिट किया था तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, यहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट में एक बन गया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक बन गया था आपके पास मॉडरेट ग्रुप। फिर ब्रिटिशर ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट जो है रिप्रेसिव मेजर्स यहाँ पे लिए। अब रिप्रेसिव मेजर्स में जिसमें हमने क्या बोला था कि तिलक भाई साहब को जिन्होंने क्या किया था अपने न्यूज़पेपर केसरी में, केसरी में आर्टिकल और अपने न्यूज़पेपर केसरी में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसके फेवर में किए थे, चक्की एंड बॉस के फेवर में, अगर याद होगा कल ही किया था, प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बॉस, इनके फेवर में किए थे।
जिसके केस में दैट मींस अब तिलक को क्या किया था ब्रिटिश ने, ऑन द सेडिशन चार्जेस के बेसिस पे क्या कर दिया था, 6 ईयर्स इंप्रिजनमेंट कर दी थी, राइट। अब 6 ईयर्स इंप्रिजनमेंट करी थी, कहां पे रखा था, मंडले जेल में रखा था। अब मंडले जेल दैट मींस बर्मा में बात कर रहा हूं, म्यांमार में। मंडले जेल कहां पे है, बर्मा म्यांमार में। अब 6 साल के बाद, मतलब ये बात कर रहे थे हम कब, 1908 की। अब 6 साल के बाद, 6 ईयर इंप्रिजनमेंट हुई थी, तो अब 1914 में जब इनका ये सजा जो है कंप्लीट हो जाएगी, कब होगी, 16 जून 1914 को। 16 जून 1914 को जब इनकी इंप्रिजनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर इनको रिलीज कर दिया जाएगा मंडले जेल से, और यहाँ पे अब तिलक की एंट्री हो जाएगी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो यहाँ पे अब हम एक सोसाइटी की फाउंडेशन रखेंगे, एक मूवमेंट की फाउंडेशन रख, कल जो हम एक मूवमेंट करेंगे जिसका नाम होगा होम रूल मूवमेंट। यहाँ पे हम दो लीडर्स की बात करेंगे, एक तो तिलक की बात करेंगे और एक और मैडम की बात करेंगे, एनी बसंत की। एनी बसंत आपके पास फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनती है आईएनसी की, राइट। तो इनकी बात करेंगे कल, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल मिलते हैं।